मैच तो कैंसिल हो चुका है, ये देखे टीवी भी हमारी बंद पड़ी है, इसको पता नहीं कौन सा सदमा लगा हुआ है। हेलो गाइस, वी आर बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज पहली बात तो आज संडे है, और दूसरी बात आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और आज हम पूरा दिन मैच एंजॉय करेंगे। और ये देखे टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं। आज मैं सुबह सुबह क्यों उठा हूँ, क्योंकि 2:30 बजे मैच स्टार्ट होना है, तो हमारे चर्च की टाइमिंग है 1 बजे स्टार्ट होता है और 3:30 बजे ख़त्म होता है। तो मैंने सोचा है कि चर्च मिस करना है, इससे अच्छा कि मैं सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वाले चर्च चले जाऊं। तो अभी मैं जा रहा हूं मॉर्निंग वाले चर्च, वो 10 बजे लगता है और 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो 12 बजे ख़त्म होगा, आएंगे, खाना खाऊंगा और उसके बाद मैच भी पूरा इंजॉय कर लूँगा। और नेहा को तो मैंने उठाया, रोमन को भी उठाया, वो लोग नहीं उठ रहे, वो सोए हुए हैं अभी तक। वो बोल रहे हैं कि हम 1 बजे चर्च जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो, उनका वैसे भी मैच में ना इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो लेट जाएंगे। मैं तो जल्दी जा रहा हूँ चर्च। और अभी मैंने मम्मा को बोला है कि मेरे लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना दो, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैं नाश्ता करके चर्च जाऊँगा। और मम्मा मेरे लिए बनाने लगी हैं नाश्ता। मम्मा जल्दी जल्दी कर दो, अभी तो बहुत टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। और आज मैं ये जो टाइम है ना, ये मैं लेके घूमूंगा, क्योंकि कहीं मैच आगे पीछे ना हो जाए। 2:30 बजे का टाइम है, तो ये मैं साथ साथ लेके घूमूंगा, कहीं भी अगर आगे पीछे हुआ ना तो टाइम से मैं देख लूँगा कि मैच स्टार्ट होने वाला है, फटाफट घर चले जाऊँ। जल्दी करो मम्मा, 10 बजने वाले हैं, 9:05 हो गए हैं। मम्मा ने मेरे लिए पराठा बना दिया है। मम्मा जल्दी करो, चाय बनी है। मम्मा आज मुझे अंडा बना दो एक। और गाइस, ये रात को रोमन अंडा लेके आया था अपने लिए। वो जब भी मेरे साथ जाते हैं ना शॉप पे, एक उसने कोल्ड ड्रिंक लेनी होती है, एक उसने आइसक्रीम लेनी होती है, एक अंडा लेना होता है, एक निम्को लेना होता है और एक लेज लेना होता है। बहुत खर्चा करवाता है भाई वो तो। और गाइस 9:30 हो चुके हैं, बस मम्मा अभी बना रही हैं अंडा मेरे लिए। टाइम तो ऐसे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, रुक जा यार। और गाइस नया मैडम तो सोई हुई है, अभी मैं अपने कपड़े प्रेस खुद कर रहा हूँ। और गाइस आज हमें टाइम का खास ख्याल रखना पड़ेगा। नाश्ता रेडी हो चुका है, मम्मा चाय नहीं डाली आपने। और मेरा बेटा भी उठ चुका है। लमन क्या बोल रहे हो, भूख लगी? चलो आज मेरे साथ नाश्ता कर लो, आज। गाइस मुझे नाश्ता करते हुए बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है, 10:30 हो गए, और रोमन भी उठ चुका है, और रोमन की मम्मा भी उठ चुकी हैं। रोमन अपना फेवरेट काम कर रहा है, पार्टी। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए, और शावर लेके बस जल्दी जल्दी फिर मैंने चर्च जाना है। ये लोग नहीं जा रहे मेरे साथ। और गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ चर्च जाने के लिए, बस निकल रहा हूँ। और ये टाइम मैं साथ लेके घूम रहा हूँ सुबह से, क्योंकि मैच स्टार्ट होना है, तो टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलो मामा मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, बाय बाय सबको, बाय बाय। दरख्तों को, सब्जियों को, उसने सारी चीजों को बनाया, तो उसने क्या कर दिया? गाइस मैं चेस से फ्री होके घर पे आ चुका हूँ, और आते ही मैंने अपना पार्टनर पकड़ लिया है टाइम। आज मैं टाइम नोट कर रहा हूँ कि कब 2:30 बजेंगे, कब मैच स्टार्ट होगा। अभी ये चलने का नाम ही नहीं ले रही, जल्दी जल्दी चले यार, चल। अभी ये चर्च जाने के लिए रेडी हो रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो चर्च से होके आ चुका हूँ सुबह सुबह, अभी मैं फ्री हूँ बिल्कुल। आप जल्दी जल्दी काम करो अपना। काम क्या करना, तैयार हो? वो ही तैयार हो जाओ, फिर मैं आपको छोड़ के आ जाऊँ। मैं फ्री हो चुका हूँ। मेरा टाइम कहाँ गया, मेरा टाइम 1 बज गया, बस 1.5 घंटा बाकी रह गया मैच स्टार्ट होने में। और ये रेडी हो चुके हैं, अभी हम निकल रहे हैं चर्च के लिए। हम नहीं, ये लोग, मैं तो चर्च करके आ चुका हूँ। और आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, मैं लेकिन सैड हूँ आप मेरे साथ चर्च।
मैं हो सुबह मैंने आपको उठाया था ना कि चलो मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ गई हो नहीं ना, अभी आप अकेली जाओगी, मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा। इसको बहुत गुस्सा आता है, अगर शायद मुझे कुछ भी बोले इसको बहुत ज्यादा गुस्सा है। और गाइस हम अपने होंडा 125 पे बैठ चुके हैं और रोमन भी मेरे साथ है और नेहा भी मेरे साथ है। अभी हम नहीं, इनको मैं छोड़ के आ रहा हूँ चर्च। मैं तो मैच देखूंगा, पता है आपको कितनी दफा 100 दफा बोल चुका हूँ ना। टाइम मैं सुन के थक गई हूँ। टाइम। अभी भी मैंने घड़ी पकड़नी थी लेकिन वो मुझे याद नहीं रही पकड़नी। चलो कोई बात, चर्च साथ लेके जानी थी। वेवी पापड़ ये वाले। और अभी रोमन के लिए चीज ले रही है मम्मा। अच्छा रुको ना, मैं और गाइस मैं नेहा लोगों को छोड़ के अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और टॉस होने में 10 मिनट बाकी हैं और 10 मिनट बाद पता चल जाएगा कि कौन सी टीम टॉस जीती है। टाइम क्या होगा, 10 मिनट रह गए हैं बस। कम ऑन प्लीज गाइस, टॉस होने वाला है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाबू यू वांट द टॉस? ये 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 टॉस जीते हैं, मैच भी जीतेंगे, देख लेना। हम सभी जाने ओए आउट दे दे ओए। नसीम भाई, शहीम भाई, हमें एक विकेट चाहिए, दे दो हमें विकेट लेके। रोहित को तो निकाल दो यार, ये तो अगर चल गया ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। बच गया। क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, आउट हो जाना रोहित शर्मा जल्दी। A few moments later. और मैं अभी चर्च से आई हूँ और मैंने देखा है कि शहीम नीचे बैठा। क्या हुआ? मैंने नहीं मैच देखा। क्यों, क्या हुआ? यार अभी तक विकेट ही नहीं गिरी यार, वो छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, ये कोई तरीका है? सुबह तो बड़ा पाकिस्तान कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि इतना अटैक कर देंगे वो आते साल। चल कह रहे क्या पता बदल जाए, एकदम से बदल जाता मैच, ये लगा हुआ यहाँ। और अभी चर्च से आके नेहा खाना बनाने लगी। ये क्या कर रही हो, खाना आज बनाना का? आज केले अच्छा मिल्क शेक बना रही है, मिल्क शेक बनाएगी। बाकी ये मैंने चावल ला के रखे हुए हैं, इसकी बनाएगी बिरयानी आज। खड़ा नहीं हुआ जा रहा ना इसलिए मिल्क शेक बनाएगी। अच्छा जी हाँ, टाइम ज्यादा हो गया, जल्दी जल्दी बनाओ, भूख लगी हुई है मुझे भी। मैं तो वैसे मैच अभी नहीं देख रहा, बस सुन रहा हूँ, जब विकेट गिरेगी तब देखूंगा। अम्मी सोने कहते हैं, मैं पानी पी रही हूं। मैंने बोला मैं शायरी कुछ गैर नहीं कर सकती। ए रहा नहीं जाता, पहली विकेट गिर चुकी है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हम मैच पे वापस आ चुके हैं, मैं मैच वापस देखना स्टार्ट हो गया। ये देखे कैसा कैच पकड़ा है, और ये मैडम मेरे लिए मिल्क शेक लेके आई है, थैंक यू आपका। मेरा बेटा भी बहुत हैप्पी है, इसको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन ये हैप्पी है। नेहा बारिश आ गई है, टिप टिप बरसा पानी, आज फिर बारिश ने मैच रोक दिया है। अभी देखे मैच कब स्टार्ट होता है, मैं तो बोल रहा हूँ तब तक मैं सो जाता हूँ, आज मैं सुबह से उठाऊँ। भाग रहा है कवर लेके, नी तेज बारिश है। और नेहा हमें खाना सर्व कर रही है यहाँ से, और खाना बन चुका है दोपहर का, अभी हम खाना खाने लगे हैं। आ जाओ नेहा फटाफट। 2 hours later. और गाइस मैच में बारिश हुई थी तो हम मैच का इंतजार कर करके कि कब स्टार्ट होगा, और हम सो गए थे, हमें नींद आ गई थी। और अभी हम उठे हैं और अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं बोर हो रहा था, मैंने नेहा को बोला है कि मुझे पापड़ फ्राई करके दो, मेरा दिल कर रहा है खाने का, क्योंकि लास्ट टाइम मैं घर पे आया था तो रोमन खा रहा था, मैंने टेस्ट किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने आज बोला है कि मुझे फ्राई करके दो। और ये इसके लिए इसकी टाइप को खिलौना लेके आए, लोमन खिलौना। तो गाइस अभी तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि 7:30-8 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। ये कम ऑन शाइन अफरीदी, मैच तो कैंसिल हो चुका है, ये देखे टीवी भी हमारी बंद पड़ी है, इसको पता नहीं कौन सा सदमा लगा हुआ है। ये देखे ये बोलता जा रहा है, पता ही नहीं कि मैच खत्म हो चुका है।
और ना इसको आवाज जा रही है मेरी कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। कमॉन शादाब, एक विकेट और लेनी है, विराट को आउट करना है बस। कमॉन सदमा गाइस, ये तो सदमे में है, तो चलें मैं ही आपको बाय घर देती हूँ और इस ब्लॉग का एंड हम यहाँ से ही करते हैं। चले गाइस, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। सी यू टू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।